बहुत बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। वृंदावन में आईटीआई कॉलेज के पास दो दिन पूर्व स्कूटी सवार महिला से लूटकर भागे बदमाशों का रात में कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम का पवनहंस हेलीपैड की ओर से जाने वाले कच्चे रास्ते पर आमना सामना हो गया। दोनों ओर से हुई फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए। उनका एक साथी भागने में कामयाब हो गया। मौके से महिला से लूटे गए माल की 100% बरामदगी हुई है। वहीं एसपी सिटी अरविंद सिंह ने बताया कि दो दिन पूर्व आईटीआई कॉलेज के पास मथुरा वृंदावन रोड पर एक स्कूटी पर सवार महिला से लूट की घटना हुई थी। लुटेरों की तलाश के लिए एसओजी प्रभारी राकेश कुमार अपनी टीम के साथ वृंदावन कोतवाली प्रभारी के साथ लगे हुए थे। पवनहंस हेलीपैड से आगे यमुना की तरफ ढलान कच्चा रास्ता यमुना तट पुलिस टीम ने तीन बदमाशों को घेर लिया। पुलिस ने सरेंडर करने के लिए कहा तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में तेजवीर चौधरी उर्फ विष्णु पुत्र दलवीर और अनमोल यादव उर्फ रिंकू पुत्र मुकेश यादव घायल हो गए। वहीं मोहित तिवारी पुत्र सियाराम तिवारी अंधेरा एवं झाड़िया होने के कारण मौके से भाग गए। दोनों बदमाशों से अवैध असला बरामद भी हुआ है। 15 तारीख को एक जो वृंदावन मथुरा रोड पर एक स्कूटी सवार महिला जा रही थी तो उसको धक्का मार करके बदमाशों ने उसे पर्स छीन लिया था। उस पर्स में कुछ सामान थे। आज इसमें वृंदावन पुलिस और एसओजी टीम द्वारा एक चेकिंग के दौरान सूचना मिली थी कि बदमाश जा रहे हैं, उनको रोका गया। उनसे क्रॉस फायरिंग हुई जिसमें दो बदमाश को गोली लगी है और दोनों बदमाश को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। उनसे प्रिलिमिनरी जो जांच पूछताछ की गई है कि वही बदमाश है जिन्होंने उस महिला के साथ में लूट किया था। जो महिला के साथ की लूट की सामग्री है, पर्स है और उनका मोबाइल है और उनका जो ATM वगैरह है, वो इनसे 100% बरामद हो गया है। जो घायल बदमाश है उनके द्वारा जो फायरिंग की गई, जिस असला से फायरिंग की गई, वो दो तमंचे मिले हैं जो 315 बोर के हैं और उनके कुछ जिंदा कारतूस और खोखा मिले हैं। ये दोनों बदमाश हैं, इनमें इनका एक का नाम है तेजवीर और दूसरा का नाम है अनमोल। एक तीसरा बदमाश जो भगा हुआ है उसका नाम है मोहित, वो भगा हुआ है। उसको गिरफ्तारी करने के लिए टीम लगी हुई है। ये पुलिस और एसओजी टीम का बहुत सराहनीय कार्य है। इसके लिए एसपी महोदय द्वारा टीम को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। थैंक यू। अपने बच्चे के भविष्य को लेकर परेशान हैं? क्या आप अपने बच्चे की छुपी प्रतिभा को पहचान नहीं पा रहे हैं? तो परेशान ना हो, आपके लाडलों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक आदर्श विद्यालय माउंट हिल एकेडमी, जहां पर हम देते हैं आपके बच्चे के लिए ऐसा माहौल जहां शिक्षा के साथ हम आपके बच्चे की छुपी प्रतिभा को निखारने में भी मदद करते हैं। साथ ही माउंट हिल एकेडमी देता है कई सारी सुविधाएं जैसे एबकस, वैदिक मैथ, फोनेटिक्स ट्रेनिंग, एडवांस्ड कंप्यूटर लैब, स्वस्थ शरीर और तेज दिमाग के लिए स्पोर्ट्स क्लासेस, मेडिटेशन और योगा, बस फैसिलिटीज, भारत शासन से प्राप्त स्पेशल स्कॉलरशिप, बच्चों के लिए प्राकृतिक माहौल। इतना ही नहीं, हमारे पास है राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सम्मान पा चुके अनेक बाल वैज्ञानिक, आर्टिस्ट, एथलेटिक्स शूटर, पहलवान, बेसबॉल खिलाड़ी, कराटे खिलाड़ी, स्कॉलरशिप्स पा चुके एकेडमिक टॉपर्स जो बनाते हैं हमें औरों से बेहतर। अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही विजिट करें। एडमिशन हेतु आज ही संपर्क करें माउंट हिल एकेडमी। एड्रेस अजय नगर, बलदेव रोड, मथुरा। मोटिवेशन 100%, तो क्यों रह जाती है ये मिस 70%? कारण पोषण की कमी। रोज के खाने से मिले सिर्फ 70% तक विटामिन और मिनरल्स, बाकी के लिए नया सुप्रीडिन डेली जो दे ज्यादा एनर्जी और इम्यूनिटी। खाने के साथ सुप्रीडिन। Mileage का बाप।
जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी इमरजेंसी आईसीयू पीआईसीयू एनआईसीयू सभी प्रकार के सिटी स्कैन एक्सरे अल्ट्रासाउंड अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब प्राइवेट एवं जनरल वार्ड डीलक्स रूम महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा आंखों का ऑपरेशन दांतों का उपचार सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित दर पर दवाइयां 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। वेलकम टू द ड्रीम बेस ऑफ योर चाइल्ड कान्हा माखन मिलेनियम स्कूल द ओनली प्लेस इन वृंदावन दैट ऑफर्स द बेस्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू अ वेल रिसोर्स्ड एक्टिविटी रूम modern classrooms, futuristic computer and STEM laboratories, dedicated space to train vocals and learn instruments, state-of-the-art sports facilities, a well-stocked library and cooking lab and recording studio, which provide learning experiences still rare at school level. Because we believe a modern child requires modern facilities to groom.